نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس <تحدث> مسلوك خديك بعد आज क़ुर मजीद की आखिरी दो सूरतें जिनको सूर फलक और सुर नास या मवज़तन कहा जाता है इन दोनों मुबारक सूरतों की तलावत की गई है चूँकि दोनों सूरतों का मौजू और और मज़मून बहुत ही मिलता जुलता है इसीलिए इन दोनों सूरतों के साथ सूरह मुज़तन भी कहा जाता है आइए पहले इन दोनों सूरतों का तर्जमा सुनते हैं अनबी कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया और रात की तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए और गिरहों में फूकने वालों या फूकने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करे सूर्नास का तर्जमा यूँ है ए नबी कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब इंसानों के बादशाह और इंसानों के हक़ीक़ी मबूद की उस डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है खा वो जिनों में से हो या इंसानों में से ये उन दोनों सूरतों का सादा उर्दू तर्जमा है इससे पहले सूरह काफर की के सिलसिले में गुफ्तू करते हुए ये बात आई थी कि मश्रिक मक्का मक् मज़मा में मुखालफत करते करते इस मंज़िल पर भी पहुँचे थे कि अरबी सल्लम से एक एग्रीमेंट एक समझौता हो जाए मश्रिक मक्का दो क़दम पीछे हटें और अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन से या दीन की तालीमात से एक कदम पीछे हटें और इस तरह फ़रीक़ैन में मुसालहत और मुफाहमत की राह निकल आवे मतद रवायात का तस्कर आया था जिससे पता चलता है कि ने मक्का ने जब देखा कि लाख हम अजियत दें लाख मारे पीटें लाख उनको सताएं, लेकिन ये बड़े अपने बड़े ज़िद्दी लोग हैं उनके बकौल और अपने मौक़ से और अपने दीन से हटने वाले नहीं हैं तो ये पेशकश रखी कि लाओ અં മുഹമ്മદે અરબી સલ્લલ્લાહ સલ્લમ સે યે મુતાલબા કરે કે કુછ તુમ પીછે હટો કુછ હમ પીછે હટે એક સાલ તુમ હમારે માબુદો કી પરસ્તેશ કરો એક સાલ હમ લોગ આપકે અલ્લાહ કી બંદગી કરે આપકે દીન કો માને ઓર ઇસ તરહ સે મસાલહત ઓર મુફાહમત ઓર સમજૌદે કી એક દરમિયાની શકલ નિકલ આવે इस तरह के हालात में सुर काफर नाजिल हुई थी कि नबी कह दीजिए ऐलान कर दीजिए कि अ काफ्रो ला अब माता जिनकी तुम बंदगी करते हो मैं उनकी बंदगी नहीं कर सकता इसी मजमून को और ना आप न तुम लोग उस अल्लाह की बंदगी कर सकते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ इसी बात को दो दो बार दोहराया और अख़ीर में फ़ैसला कुनलब लहजे में कहा कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए हमारा दिन हमारे लिए ये दोनों दिन कहीं भी अपने सफ़र में मिल नहीं सकते इकट्ठा नहीं हो सकते जब मायूस हो गए तो फिर मुशरक़ी ने मक्का की तरफ से म और ज़्यादती का सिलसिला और तेज़ हो गया मुश्किल बढ़ गई मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाने लगे उस माहौल में ये दोनों मुबारक सूरतें जिसे मुज़तन या सूरत-ul-फलक और सूरत-ul-नास कहा जाता है ये नाजिल हूँ बाज़ रवायात से पता चलता है कि मदीने मनोवरा में भी इन दोनों सूरतों का नज़ुल हुआ आम तौर पर जब इस तरह की बात आती है तो सही मतलब ये होता है कि ये सूरा हकीकता पहली बार मक्के में उतरी और दूसरी बार जब उसी तरह के हालात पेश आए की तरफ़ से यहूद की तरफ़ से और दूसरी इस्लाम मुखालिफ ताकतों की तरफ़ से जब महमद आरवी अलैहि वसल्लम और अवलिन मुसलमानों पर जुल्म सितम का सिलसिला बढ़ा मुख्तलिफ किस्म की साजिशें रची जाने लगीं और इस्लाम का रास्ता रोकने और इस्लाम को दबाने इस्लाम को कुचलने और मिटाने के लिए हर तरह की जायज़ और नाजायज़ तदबीरें की जाने लगें तो रसूल अक्रम साम को दोबारा याद दहानी कराई गई कि इन्हीं दोनों सूरतों की तलावत उसके मफहम पर गौर ख़ौ और उसमें जिस बात का हुक्म दिया गया है उस पर अमल पैरा हों दुश्मनों के माहौल में और दुश्मनों से घिर जाने के बाद इससे ज़्यादा मज़बूत सहारा और नहीं कुछ हो सकता है क्योंकि एक मुसलमान या एक इंसान को दो तरह के दुश्मनों से सबका है एक दुश्मन तो इंसान के रूप में है जिस दुश्मन को समझाया जा सकता है मनाया जा सकता है अपने अच्छे अखलाक के ज़रिए से उसके साथ उसने सलूक करके उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदले जाने का इम्कान है इसलिए ऐसे इंसान अगर दुश्मनी पर आमादा हो तो उनके लिए क़र मजीद में दूसरे की तरह की तालीमात है जिस इंसान नुमा दुश्मन को अच्छे अखलाक से अच्छे रवैये से अच्छे सलूक से उसके दिल को मोम किया जा सकता हो उसके दिल की कसावत और उसकी संग संग दिली को बदला जा सकता हो उसके लिए मजीद में अल्लाह ताला ने तीन जगह बड़ी अच्छी तालीमत दी हैं कहा खुद अफवा व अम्रबलफ़ व आरज़नजाहन आपको हुक्म हुआ कि आप अफोदरगुजर से काम लें भलाई का हुक्म दें और जाहिलों के की जहालत से एराज करें लेकिन अगर वो दुश्मन जिसका नाम शैतान है और वो शैतान चाहे इंसान के रूप में हो चाहे जिन्नात के रूप में हो अगर इंसान की दुश्मनी एक हद से आगे निकल जाए और वो शैतान का रोल अदा करने लगे तो वो वह इंस में आते हैं कहा वमा ज़गन मैंने शैतान नज़ुन फस्त अज़बिल्ला अगर शैतान की जानिब से आपको उकसाया जाए उकसाने की कोशिश की जाए तो आप अल्लाह की पनाह चाहिए अल्लाह की पनाह में पनाह मांगी अल्लाह की अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है कुरान में एक दूसरे फरमाया फरमाया इतफा अहसनु हसन बुराई को भलाई से दफ़ा करें जो आपके साथ बुराई से पेश आवे उसके साथ आप भलाई का मामला इख्तियार करें और ये आपके मुखालफी आपको कि जो सिफतें बयान करते हैं जो कुछ आपको कहते हैं पागल कहते हैं सहरजदा कहते हैं साहिर कहते हैं शायर कहते हैं हमें सब पता है और है नबी कहिए रब अद बिकमिन हमज़ात शयाक़ीन अय मेरे रब मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान के उकसाहट से वाउ बे करब आई और मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि ये शैतान मेरे साथ हाजिर हों कुरान ने एक तीसरी जगह फरमाया इतफाबिल्लती अहसन फैज्ल बई कब कबीन हो अदाबा उन हमीम आप अच्छे अंदाज में दफा कीजिए आपका मुखालिफ आपका दुश्मन अगर वो दुश्मनी पे तुला है मुखालफत पर आमादा है और दुश्मनी और मुखालफत में आपके साथ नारवा सलूक इख्तियार करता है तो इदफा बिल्ल अहसन तो अहसन तरीक़े से उसका दिफा करें मुमकिन है फ़ैद फ़ैदल बन को बेन हूँ अदाबा अगर आज आप और उसके दरमियान अदावत का रिश्ता है दुश्मनी का रिश्ता है तो मुमकिन है यह अदावत दोस्ती से बदल जाए और वो दोस्त बन जाए खैर ख़वा बन जाए वमा लक्न सबरु वमालाहद्न अजीम और ये मकाम मरतबा इस तालीम पर अमल वही कर सकते हैं जो दीन पर डटने वाले इस इख्तियार करने वाले हैं और इस मकाम को वही पा सकते हैं जो बड़े नसीबे वाले हों का मांग जगन के मन शैतान नज़न फस्त इज़बिल्ला इस मौके पर भी अगर शैतान आपको कुछ उकसाए तो आप अल्लाह की पनाह चाहिए अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है अहले ईमान का रवैया दरअसल अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को न मानने वाले जाहिर दोनों इंसान हैं और एक साहब ईमान अल्लाह उसके रसूल और कुर मजीद पर ईमान रखने वाला वो चाहे दाखिली मुश्किलात हों या ख़ारजी मुश्किलात इंसान नुमा या इंसान दुश्मनों से सबका हो या शैतान दुश्मनों से सबका हो हर हाल में वो अल्लाह पर चूँकि ईमान और यकीन होता है उनको ये पता है कि हर तरह के नफा नुकसान का मालिक ज़िंदगी और मौत का मालिक तंदरुस्ती और बीमारी का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है और वही खालक है वही रब है वही अला है वही इस कायनात का पैदा करने वाला है वही रात की तारीकियों से सुबह की रोशनी को निकालने वाला है उसकी कुदरत की कोई हद और कोई सीमा नहीं है लिहाजा वो उसकी पनाह में एक मोमिन जाता है अहले ईमान का रवैया मुश्किल के दौर में मुसीबतों के मरहले में यही होता है कुरान मजीद में अमूमी तौर पर अहिल ईमान के रवैये पर तबसरा किया है कादिन तकऊ इदा मसम क़वाफ़ में शैतानी तदक करु फ़ैदा हम मुबसरून कि अहल तकवा पर अगर शैतान के असर से बुरा ख्याल छू जाए तो वो चौंक उठते हैं उन्हें ख्याल आ जाता है और फिर वो इस नाते की वो राह हिदायत और राह हक़ और सही रास्ते को देखने वाले होते हैं फिर आउन ने जब भरे दरबार में हज़रत मूसा मूसलातलम को कत्ल करने का इरादा जाहिर किया तो उस वक्त हज़रत मूसा मूसलातम ने किसी और कहा को आवाज़ नहीं दी किसी और का सहारा नहीं ढूंढा, फिर जैसी ताकत के बिलमकबिल जो हज़रत मूसास्लाम ने कहा क़रने मजीद ने उसे कोर्ट किया का इन्नी उस ब रबी व रबिकन कुल मतकब्र लायुमिन बमिल हिसाब मैं आर ऑन मैं अपने रब और तुम्हारे रब मैं उस रब की पनाह चाहता हूँ और उस रब की पनाह और हिफाजत में हूँ जो तुम्हारा भी पालनहार है और मेरा भी पालनहार है और हर मतकबर से हर उस ताकत से हर उस शख्स से जो अपने आप को बड़ा समझता है और कयामत के दिन और हिसाब के दिन पर जो ईमान नहीं रखता सूर दुखान में अल्लाह ताला ने उसी वाक़े को जिक्र किया कहा इन्नी उस बे रब्बी अंतर जुमून ऐ फिर और आर मैं उस रब की पनाह में उस रब की हिफाजत में अपने को देता हूँ जो मेरा पालनहार है तुम्हारा पालनहार है इस बात से कि तुम मुझ पर हमला आवर हो तुम मुझे मारो हज़रत मरियम असलात के सिलसिले में है कि जब वो अपने हजर ख़ास में अपने ख़ास कमरे में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थी और एक अजनबी मर्द जो हकीकत में फरिश्ता था लेकिन वो नहीं पहचानती थी अचानक एक अजनबी मर्द उनके कमरे में आ गया तो हज़रत मियम की ज़बान से बेसाख्ता ये जुमला निकला कि आऊज ब्रह्मान मिंग का इनकुन तकिया अः अल्लाह के बंदे अगर तुम्हारे दिल के अंदर ज़रा भी तकवा है ज़रा भी अल्लाह का डर है तो मैं रहमान की पनाह में और रहमान की हिफ़ाजत में अपने को तुम्हारे शर से डालना चाह डालती हूँ हज़रत अलैहिस्सलाम तो के सिलसिले में है जब उनका बेटा डूबने लगा तो हज़रत मूसा सली हज़रत नूसलाम तो ने अपने रब को अल्लाह से दुआ की कुरान ने उसे कोट किया है सुरहद में कहा वनादा नूह रबू हज़रत नूह ने अपने रब को पुकारा फ़काल रब इबनी अरे रब मेरा बेटा तो मेरे अहल का मेरे घर का मेरे ख़ानदान का एक हिस्सा है वही नवाद कल हक और तेरा वादा हक है तूने मुझसे वादा किया था कि तेरी कौम जब डूबेगी अल्लाह का अज़ाब उन पर आएगा तो मैं तुमको और तुम्हारे अहल को बचा लूँगा और मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने डूब रहा है पानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जवाब आया कला यानू हूँ इन नू ये किनान तुम्हारा बेटा नहीं है ठीक है हसबो नसब हसबो न से खून और गोश्त के एतबार से तुम्हारा बेटा है लेकिन अंबिया की नस्ल खून और गोश्त से नहीं चलती अंबिया की नस्ल दीन और दावत से चलती है कहा या नू इन्हों से नलिक जिसको तुम अपने घर का मेंबर और अपना फैमिली मेंबर जिसे बता रहे हो जिसको कह करके तुम मुझसे मुतालबा कर रहे हो क्या अपने अजाब से मैं उसको बचा लूँ तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्हो ले निक वो तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं है इन अमल उन गैर सवाल वो गैर सवाल अमल है उसकी जिंदगी का रिकॉर्ड उसकी जवानी उसका बचपन उसकी रात उसका दिन उसकी सुबह उसकी शाम सब बेअमली और बदअमली में गुजरी है इन अमन गैर به علم सभी इस नात मुझे मुझसे तुम वह सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म न हो इन्नी अंतकुन तकुन मिनल्जाह अल्लाह ने वार्निंग दी कहा नू मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि जाहलों और नादानों वाली बात मत करो हज़रत नूसलातम ने उस मौके पर जब अल्लाह रब्लम का यह जवाब सुना तो फ़ौर कहा रब इन उदबी का नसल कम सल अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तेरी हिफाजत में आना चाहता हूँ इस बात से कि मैं तुझसे वो मुतालबा करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं जिसका मुझे पता नहीं विल्ला तखफरली व तरहनी अकमिन अगर तूने मुझे बख्शा नहीं मुझे मुझ पर रहम न किया तो मैं बहुत घाटा उठाने वाले में से हो जाऊंगा, टूटा पाने वालों में से हो जाऊंगा। अर्ज़ करने का मुद्दा ये कि अहिल ईमान की रविश और अहले ईमान का तरीक़ा ये होता है कि जब वो दाखिली और ख़ारजी मुश्किल के शिकार होते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की पनाह में अपने आप को पहुँचाते हैं अल्लाह की हिफाजत में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो किसी और सहारा और का सहारा नहीं ढूंढते बल्कि अल्लाह का सहारा ढूंढते हैं दरअसल सूर फलक और सूर नास इसी बात की तलकिन करने के लिए अल्लाह के रसूल वसल्लम पर मक् मज़्मा में नाजिल हुई और मदीन मनोर में भी दोबारा तस्करन नाजिल हुई जब यहूदियों ने मशरक मक्का ने और हिजाज के मशरकों ने मुखालफत और अदावत और दुश्मनी में सारे हथकंडे कंडे इख्तियार कर लिए तो उस वक्त ज़रूरत थी सहारे की उस वक्त यह आयतें उतरी ये दोनों सूरतें उतरी वैसे तो कुरान मजीद पढ़ते वक्त भी कहा गया है कि फ़ैज़ा करातर फस्त इज़बिल्लामिन तजीम जब कुरान की तलावत करना शुरू करो तो उस वक्त भी तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से पनाह मांगो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान रजीम से शैतान की तहरीक उसका हमेशा ऐसा नहीं है कि आप मस्जिद में पहुंच गए कुरान लेके बैठ गए तो शैतान अपनी हरकत से बाज आ गया शैतान आपसे दूर हो गया शैतान आपको वरगलाएगा नहीं बहकाएगा नहीं हर हरगज़ नहीं यहाँ तक कि अगर आप नमाज में होते हैं हम नमाज पढ़ते हैं उस वक्त भी शैतान का जो मिशन है इंसानों को गुमराह करना इंसानों को बहकाना इंसानों को राह से हटाना वो अपना मिशन जारी किए हुए रहता है इसलिए हुक्म हुआ कि अगर कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह के कलाम की तिलावत के लिए बैठो तब भी तुम रज़ीम कहो इन दोनों सूरतों की बड़ी फजीलत है अल्लाह के रसूल ससम की हदीस हज़रत अक़बाबन आमिर कहते हैं कि अल्लाह के रसुल ने फरमाया कि नज़रतः आयातिन लम आराम का आज रात में मेरे ऊपर ऐसी आयतें नाजिल हुईं जैसी आयतें इससे पहले नहीं नाजिल हुईं फिर आपने कहा कुलआउद रबल कुलआउदरब्नाज हज़रत आयशा रसील ताल की रवायत है सही न की रिवायत है फरमाती हैं कि रसूल सल्लम जब बीमार होते थे आप इंसान थे बीमार भी होते थे ज़ख्मी भी हुए है। कहा हैं अला नफसी बिल बिल्माविज़ैन अल्लाह के रसूल वसम को अगर बीमारी का आरजा होता था तो यही मुवज़तन आप पढ़ते थे और उसी को पढ़ करके आप अपने ऊपर दम करते थे फरमाती हैंशर ज़िली तह कि फ़लम मशतदजोहू मौत में जब आपकी तकलीफ़ बढ़ गई तो कंत तोकर और तब मैं मुविजैन पढ़ती थी और प्यार रसूल सासम के हाथ पर फूंक करके आपके मुबारक हाथ को आपके मुबारक पर फेरती थी इस उम्मीद में कि प्यारसूल सा के मुबारक हाथों के फेरने से प्यारसूल वसम को शफ़ा मिल जाए अल्लाह के रसूल सलम ने इससे पहले मैं बता चुका हूँ सूर अखलास पर जो गुफ्तू हो रही थी कि सही हदीस में है आपने फ़रमाया कि अगर कोई सुबह शाम सूर अखलास ना हद और यानी बिल फल और खुलरबिननास तीन मरतबा सुबह और तीन मरतबा शाम को पढ़ ले तो हर तरह के शर से और हर तरह की मुसीबत से अल्लाह उसे महफूज रखेगा हज़रत अली की रवायत थे कहते हैं कि एक रात रसूल अक्रम नमाज़ पढ़ रहे थे फवाज़ह अल्ज दौरान नमाज आपने ज़मीन पर हाथ रखा फ़लदाकत हो अकरबन तो एक बिछू ने आपको डंक मार दिया फ़ना वहा रसूल बिनि व फ़कतलहा तो प्या रसूल स अपने मुबारक जूते से उस बच्छू को कत्ल कर दिया जब नमाज से आप फारग हुए कहा लनल्ला अकर्रब अल्लाह बिच्छू पर अल्लाह की लानत हो बिच्छू पर मतदो मुसलिय वाला गैर हो कि ये बिच्छू को मौका मिल जाता है तो वह नमाजी को भी नहीं बख्शता है नमाजी को भी डंग मार देता है और फिर आपने पानी मंगवाया और नमक मंगवाया और उसको आप अपनी उंगली पर जिस उंगली पर उसने डंग मारा था उस पर वो उडेलने लगे और उसको सहलाते थे और व्यु अदमा और सूर फलक और सूर नास पढ़ करके आप उस पर दम करते थे तो इन हदीस से इन मुस्तैन की बड़ी फजीलत मालूम होती है अल्लाह रब्आमिन ने फरमाया कुल्लोज रबुलफलक एन नबी कह दीजिए वक्त ख़त्म हो चुका है बाकी बातें इन से स अगले खुतबों में की जाएँगी الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمكم الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغ يعذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر